बच्चों, आज हम आपका हिस्ट्री चालू ले रहे हैं। हिस्ट्री में चैप्टर 3 इन द अर्लीएस्ट सिटीज, चैप्टर का नाम है इन द अर्लीएस्ट सिटीज। लेक्चर है आपका 122। तो हिस्ट्री का चैप्टर 3 इन द अर्लीएस्ट सिटीज क्या बताता है कि पहले हमारी सिटीज कैसी थी, मतलब जो हमारा बहुत पहले पास्ट, जो बहुत पहले का टाइम था, तो सिटीज कैसी हुआ करती थी। ठीक है, आज कैसी सिटीज हैं, तो आज भीड़ वाली सिटीज हैं, आज सब कुछ पक्की इमारतें हैं, अच्छे सब पक्का है, सीलिंग्स पक्की हैं, फैंसी फैंसी सिटीज हैं। ठीक है, तो पहले कैसे हुआ करती थी। ठीक है, सो ये पूरा उसके बारे में है। सो सबसे पहले पेज 24 पे आएंगे, हमारा पेज 24। ठीक है, सो पेज 24 पे द स्टोरी ऑफ हरप्पा है। ठीक है, सो हरप्पा क्या है, हरप्पा एक आप बोल सकते हो सिविलाइजेशन का नाम है हरप्पा। सो स्टोरी ऑफ हरप्पा क्या है, पेज नंबर 24 आपकी एनसीईआरटी पे है, पेज नंबर 24। ठीक है, सो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। देखो, कई बारी जो पुरानी इमारतें होती है ना, उनमें कोई ना कोई कहानी छिपी हुई होती है। अगर आप 150 साल पहले की बात करें, जब रेलवे लाइंस लगी ही हुई थी पहली बारी पंजाब में, और सारे इंजीनियर्स हरप्पा पहुंचे थे, जो कि आज पाकिस्तान में है। हरप्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो उनके लिए, उनको लगा कि भाई यहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी ब्रिक्स हैं, तो वहां से उन्होंने हजारों ब्रिक्स उठाई उसकी वॉल्स से और रेलवे लाइन के लिए। हरप्पा में पूरी जो सब बिल्डिंग्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने ये साइट ढूंढी, और उन्होंने रियलाइज किया कि ये हमारे सब कॉन्टिनेंट, मतलब भारत पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट सिटीज में से है, और ये पहली सिटी है जो कि डिस्कवर की गई थी, और जो भी उसमें चीजें मिली उन्हें हरप्पन कहा गया। दीज सिटीज डेवलप अबाउट 4700 ईयर्स अगो। तो हरप्पा में क्या है, हरप्पा में हाई क्वालिटी ब्रिक्स हैं। ठीक है, वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। ठीक है, हरप्पा सिविलाइजेशन में हाई क्वालिटी ब्रिक्स से कहाँ पाया गया है, ये आज पाकिस्तान में। हरप्पा कहाँ है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। और जो जो टिक करी वो लिखना है आपको। ठीक है, हरप्पा इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और इट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, और दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट, सबसे पुरानी सिटीज में से एक है। दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ये सिटीज कब डेवलप हुई, 4700 ईयर्स अगो। ठीक है, सो ये है हमारी स्टोरी ऑफ हरप्पा। ठीक है, अब मतलब हरप्पा क्या है, बहुत पुरानी सिटी है, ये आज पाकिस्तान में है, और फिर जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स पाई गई, और उन ब्रिक्स से रेलवे लाइन्स भी बनाई गई। और उसके बाद ये सिटीज, मतलब फिर पाया गया कि ये सिटीज तो 4700 ईयर्स अगो पुरानी है। ठीक है, 4700 साल पुरानी है ये सिटीज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, व्हाट वॉज द स्पेशल अबाउट दीज सिटीज, इन सिटीज के बारे में स्पेशल क्या है। ठीक है, व्हाट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज, सो ये वाली सिटीज हैं वो दो या ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ये जो हरप्पन सिटीज हैं, सो दो या उससे ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और जो वेस्ट पार्ट है वो स्मॉलर है बट हायर है। ठीक है, सो स्पेशल क्या है, मैनी ऑफ दी सिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट है वो छोटा है पर हायर है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। सिटाडेल किसे कहा जाता है, अगर आपको आता है क्वेश्चन डिफाइन सिटाडेल तो क्या लिखोगे, सिटाडेल इज अ पार्ट टू द वेस्ट, सिटाडेल इज द पार्ट टू द वेस्ट इन द सिटीज। और जो पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, दिस इज कॉल्ड लोअर टाउन। सिटाडेल किसे कहा जाता है, सिटाडेल वेस्टर्न पार्ट को कहा जाता है, और जो दूसरा पार्ट है उसे हम लोअर टाउन कहते हैं। सिटाडेल
सिटाडेल कहा जाता है वेस्टर्न पार्ट को और ईस्टर्न पार्ट को लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, और फिर ब्रिक्स लगाई जाती थी, ठीक है, वॉल्स ऑफ ब्रिक बेक्ड ब्रिक मतलब गरम गरम ईंटें लगाई जाती थी। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर, इतनी अच्छे से लगाई गई वो हजारों साल टिकी। द ब्रिक्स वॉज लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। ब्रिक्स कैसे बनाई गई, इंटरलॉकिंग पैटर्न से, एक दूसरे में एकदम अच्छे से टाइप की गई। कुछ सिटीज में स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, ठीक है। सो कोई पूछे पुराने जमाने की सिटीज के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप कहोगे दो, एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन। सिटाडेल क्या है, सिटाडेल वेस्टर्न पार्ट है और वो छोटा होता है, और दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट है एक सिटाडेल है जो कि वेस्टर्न पार्ट है, और दूसरा पार्ट है लोअर टाउन जो कि ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। अच्छा, छोटी छोटी इन सम सिटीज, कुछ सिटीज में स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, कुछ सिटीज में सिटाडेल में इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, कुछ सिटीज में बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई सिटाडेल में, जैसे कि मोहनजोदारो में। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने हरप्पा की बात की, हरप्पा में हमने पढ़ा कि उसकी हाई क्वालिटी ब्रिक्स है और सब कुछ है, ठीक है। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन मोहनजोदारो वेरी स्पेशल टैंक विच आर कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ड इन दिस एरिया। मोहनजोदारो में क्या बनाया गया था, द ग्रेट बाथ, एक स्पेशल तरह का टैंक था, अ वेरी स्पेशल टैंक, द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, एक स्पेशल टैंक बनाया गया था। और वो कैसे बनाया गया था, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर। ये कैसे बनाया गया था, ब्रिक्स के साथ जो कि जिनके ऊपर प्लास्टर किया गया था, प्लास्टर मतलब प्लास्टर सीमेंट, एकदम सीमेंट लगाया जाता है ना उसे, एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। फिर उसके ऊपर क्या लगाया था, डामर लगाया गया था। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, और फिर उतरने के लिए दो सीढ़ियां थी। मतलब यहाँ क्या बात हो रही है, बात हो रही है मोहनजोदारो की, मोहनजोदारो सिटी की, पहले बहुत पुराने जमाने की, और वहां पे एक स्पेशल टैंक था, स्पेशल टैंक का नाम है ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ नाम है, और वो एकदम प्लास्टर वगैरह लगाया गया था और दोनों साइड से स्टेप्स लगाए गए थे, ठीक है। सो वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल। फिर क्या मतलब, इस यहाँ इस नदी में कुछ ऐसे अच्छी ओकेशन आती थी, लोग डुबकियां भी मारते थे। अब तीसरी सिटी का नाम है अदर सिटीज सचेस काली भंगन एंड लोथल, ठीक है। काली भंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन। फायर अल्टर्स मतलब हवन कुंड बोल सकते हो, फायर अल्टर्स होते थे जहाँ पे लोगों की मतलब जहाँ पे सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे, ठीक है। और इसके अलावा मोहनजोदारो, हरप्पा और लोथल में स्टोर हाउसेज हैं, ठीक है। पुरानी सिटीज़ की बात हो रही कि कौन सी सिटीज़ में क्या हैं। सो हमने ऊपर पढ़ा कि मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ है, मतलब पानी का एक बहुत बड़े टैंक जैसा है, और फिर हमने पढ़ा काली बंगन लोथल में फायर एल्टर्स हैं जहाँ पे सेक्रीफाइसेस होते हैं, मतलब भट्टी बोल सकते हो आग की, या तो हवन कुंड बोल सकते हो। फिर सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा एंड लोथल, और वहाँ है स्टोर हाउसेस, ठीक है। मोहनजोदारो, हरप्पा, लोथल में है स्टोर हाउसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं पीछे पेज पे, ये था हमारा 24 पेज। मैं जितना टिक कराती हूँ उतना आपको लिखना है, ये मैंने 24 पेज पे टिक कराया आपको, ठीक है। फिर मैंने 25 पेज पे ये टिक कराया, आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो आप पॉज करके लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं 25 पेज पे। सो 25 पेज क्या है, यहाँ देखो मैंने ग्रेट बाथ की बात की थी कि भाई बड़ा सा पैल है, सो ये देखो ये ग्रेट बाथ है, ठीक है, ये ग्रेट बाथ है, और यहाँ पे और ये हरप्पन सिटीज हैं, ठीक है। हरप्पन सिटीज में इस तरह से ये जो देखो ब्रिक बनाई गई थी, ब्रिक मतलब ये
पत्थरों से ये कैसे बनाई गई है दीवार, ठीक है। अब ये हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, हाउसेस वहाँ इन पुराने जमाने की सिटीज में हाउसेस कैसे होते थे, घर कैसे होते थे, और ड्रेन्स मतलब गटर कैसे होते थे, और सड़कें कैसी होती थी, ठीक है। सो घर कैसे होते थे, सो जनरली जनरली हाउस वर आइदर वन और टू स्टोरीज हाई। हाउस कैसे होते थे, एक या दो माले के होते थे विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड। हाउस कैसे होते थे, एक या दो माले के होते थे और रूम्स कहाँ बनाए होते थे, कोर्ट यार्ड। मोस्ट हाउस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। कोर्ट यार्ड क्या है, सो कोर्ट यार्ड एक ओपन एरिया जैसा होता है, मतलब जिसकी छत नहीं होती, ऐसी खुली एरिया जैसे फार्म वगैरह होता है घरों के बाहर, वैसा कुछ। सो हाउसेस वर आइदर एक या दो माले के मकान होते थे और ये उनके रूम्स है ना एक खुली जगह के आजू बाजू बने हुए होते थे, और बहुत सारे हाउसेस के सेपरेट बाथिंग एरिया होते थे और कईयों के तो वेल्स भी होते थे। मैनी ऑफ दिस सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, इन सिटीज के कवर्ड ड्रेन्स मतलब गटर बंद होते थे। मैनी ऑफ द सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, इनके गटर बंद होते थे। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। हर ड्रेन में ऐसे मतलब स्लोप जैसा होता था जैसे पानी उनसे बह जाए। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेट इट, मतलब जेंटल स्लोप मतलब इस तरह से होते थे कि पानी नीचे आराम से गिर जाए, ठीक है। सो ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, आप भले देख नहीं सकते हो पर हर ड्रेन में एक जेंटल स्लोप होता था, सो वाटर उससे आराम से बह जाता था। सो ड्रेन्स जो ड्रेन्स होते थे हाउसेस में वो स्ट्रीट्स में कनेक्टेड, मतलब बड़े जो घरों के गटर होते थे वो बड़े गटरों से कनेक्टेड होते थे, ठीक है। सो एज दिस ड्रेन्स वर कवर्ड इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम, ये ड्रेन्स कवर्ड होते थे फिर टाइम टू टाइम इन्हें साफ किया जाता था। ऑल थ्री हाउसेज ड्रेन्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, मतलब घर तीनों चीजें हाउसेस ड्रेन्स और स्ट्रीट्स सब एक ही बारी में बनाई गई थी, ठीक है, पुराने जमाने की सिटीज में, हरप्पन सिटीज में बोल सकते हो, ठीक है। सो अब लाइफ इन द सिटी, वहाँ जग पहले तो मतलब आपने हाउस पढ़ लिया, आपने ड्रेन पढ़ लिया, आपने स्ट्रीट भी पढ़ ली, अब लाइफ कैसी थी वहाँ पे, ठीक है। सो हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, हरप्पन सिटी जो कि पाकिस्तान में पिछले ज़माने में, तो हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, बहुत ही बिजी थी। पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, इट इज लाइक दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंस टू गेट मेटल प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे मे हैव कैप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड सिल्वर और ब्यूटीफुल फॉर देम्स एंड देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, मतलब बहुत ही बिजी सिटी थी और सिटी का निर्माण जो राजाओं ने कराया था तो राजा बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स मेटल्स वगैरह मंगाया करते थे लोगों से ताकि उनके महल को सजाया जा सके, और गोल्ड पाया गया है, सिल्वर पाया गया है, और बहुत ही छोटे छोटे मोती, ब्यूटीफुल मोती पाए गए हैं, और स्क्राइब्स भी पाई गई हैं, SCRIBE स्क्राइब्स भी पाई गई हैं, मतलब स्क्राइब्स मतलब ऐसे चित्रे हुए कुछ ऐसे पाए गए हैं। सो पता लगता है कि लोगों को लिखना भी आता था तब। Who had prepared the seals and perhaps wrote on other that have not survived. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. मतलब लिखना आता था और ऐसे ऐसी चीजों में लिख के गए कि आज वो है ही नहीं, मतलब भाई पत्तों पे लिख के गए थे, पहले तो यही सब होता था ना तो पत्ते तो रहे नहीं, सो पर उस टाइम के लोग लिखना जानते थे, ठीक है। इसके अलावा मैन और वुमन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग, क्राफ्ट पर्सन मतलब वो कहते हैं ना कलाकार जैसे होते हैं, ठीक है, मतलब जो अच्छी कलाकारी करते हैं वैसा। सो मैन और वुमन क्राफ्ट पर्सन होते थे और हर तरह की चीजें बनाते थे अपने घरों के लिए, वर्कशॉप के लिए। पीपल वर ट्रैवलिंग टू फॉर और रिटर्निंग विद रॉ मटीरियल एंड परहैप्स स्टोरीज, मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस।
एक टेराकोटा करके, टेराकोटा मतलब क्या होता है? सो टेराकोटा का मतलब ऐसे लाल कलर के, ऐसे लाल कलर की मिट्टी जैसी होती है ना, लाल और ब्रॉन्ज कलर की ऐसे मिट्टी होती है, ठीक है, ऐसे शाइनी वाली मिट्टी। सो उससे खिलौने बनाए जाते थे और चिल्ड्रन उससे खेलते थे, ठीक है। सो लोग दूर दूर इलाकों से आते थे कच्चे मटेरियल के साथ, और वहाँ वो लोग अपने साथ मतलब वहाँ से खरीद के भी जाते थे, और वहाँ से स्टोरियाँ भी नई नई हड़प्पा की सुन के जाते थे, ठीक है। हड़प्पा एक बहुत ही बिजी प्लेस है, ठीक है। हड़प्पा वॉज अ बिजी प्लेस, वहाँ क्या क्या पाया गया है? रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वॉन्टेड, ठीक है। दे मे हैव कैप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटिफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। फिर क्राफ्ट पर्सन से बिसाइड्स देयर वर मैन वुमन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, ठीक है। इस तरह से मतलब जो है ये सब पाया जाता था हड़प्पा में, ठीक है। आप हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हो कि वहाँ क्या क्या पाया जाता था। फिर न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, और सिटी में क्या क्या पाया जाता था, ठीक है। न्यू क्रॉ लेट अस लुक पेज नंबर 28 पे। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हड़प्पा की सिटीज में बनाए गए थे, और वो किसके बने हुए हैं? मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर ब्रॉन्ज गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। इन सब के बनाए गए थे। कॉपर ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स वेपन्स ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। कॉपर और ब्रोंज क्या बनाने में यूज होते थे? टूल्स वेपन्स ऑर्नामेंट्स वेसल्स। और गोल्ड और सिल्वर क्या बनाने में यूज होते थे? ऑर्नामेंट्स और वेसल्स। और क्या मिला है पुराने जमाने की सिटीज में से? परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स वेट्स एंड ब्लेड्स। ब्लेड्स क्या मिला है? बीड्स वेट्स और ब्लेड्स मिला है, ठीक है। सो हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। हरप्पन क्या बनाते थे? सील्स भी बनाते थे स्टोन्स में से। सील्स का मतलब होता है मतलब वो ऐसे नहीं लाल लाल कलर का लिखा होता है जिसपे हम हमारा नाम लिखते हैं ट्रेडमार्क कि भाई इस कंपनी का है, वैसा सील्स बनते थे, ठीक है। ऐसे थप्पे नहीं बोलते, ऐसे थप्पे जैसे आप बोल सकते हो। द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। तो हरप्पन्स पत्थरों से सील्स भी बनाते थे। सील्स मतलब एक रेड रेड का थप्पे जैसा होता है। सो दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। सो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे और एनिमल बना हुआ होता था। देखो कुछ ऐसे, ये सील है, ठीक है। ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में होते थे और एनिमल कार्व किया होता था, ठीक है। और क्या था? हरप्पन्स पॉट्स बनाते थे ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस के। ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस, ठीक है। कॉटन, जो कॉटन है वहाँ पे, कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। अभी कॉटन कहाँ उगाया गया था? कॉटन वॉज ग्रोन एट मेहरगढ़। अब एक और सिटी का नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कॉटन उगाया गया था 7,000 साल पहले। अच्छा कॉटन देखो बड़ी बात है, आज आपके लिए कॉटन आसान है, पर 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में मिला था कॉटन, ग्रो किया गया था। एक्चुअल पीसीज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। मेहरगढ़ में कॉटन पाया गया था और एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू लिड ऑफ सिल्वर वास पाया गया था। कॉपर ऑब्जेक्ट्स कहाँ पाए गए थे? मोहेंजो दारो में। कहाँ पाए गए थे? मोहेंजो दारो, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड पेंट्स। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। स्पिंडल वॉल्स क्या होते हैं? स्पिंडल वॉल्स वो होते हैं जिसमें जो है धागा पिरोया जाता है, मतलब धागा ऐसे वीव किया जाता है, उसे स्पिंडल वूल्स कहते हैं। एक डंडी जैसा होता है, ऐसे एक डंडी जैसा होता है,
ऐसे एक डंडी जैसा होता है और ऐसे ऐसे डिस्क होता है, सो ऐसे धागा एकदम घुमाया जाता है। सो स्पिंडल वोल्स मिलते हैं मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस। तो टेराकोटा तो मैंने आपको बताया था, टेराकोटा एक मटेरियल है, और फेंस फेंस क्या है, फेंस एक नेचुरल मटेरियल है, ठीक है। सो जिससे वो बनता है। और ये जो स्पिंडल वोल्स हैं वो स्पिन थ्रेड, थ्रेड को स्पिन करने में काम आता है, धागे को स्पिन करने में काम आता है, ठीक है। सो मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। जो ये चीज़ें बनाई गई थी स्पेशलिस्ट लोग बनाते थे, और जैसे स्टोन को काटना, पॉलिश करना, बीड्स को, सील्स को कार्व मतलब उनको शेप देना, ठीक है। सो इस तरह से हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता था, खाली मैन स्पेशलिस्ट होती थी या औरतें स्पेशलिस्ट होती थी, ठीक है। सो स्पेशलिस्ट कौन थे? सो अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जो एक ही तरह का काम करते थे, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स, ठीक है। अब इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स के मतलब रॉ मटेरियल्स को ढूंढते हुए, सो रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। रॉ मटेरियल्स क्या है? कच्चा माल। सो कच्चा माल क्या है? वो सब्सटेंसेस जो नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि वुड, ओट्स ऑफ मेटल्स, या तो फार्मर्स या हर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद फाइनली फिनिश्ड गुड्स बनते हैं इसमें से। एग्जाम्पल कॉटन। कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल है, उससे क्या बनता है? क्लोथ बनता है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। कच्चा माल किसका? वुड का या मेटल का, किसी भी चीज का बना हुआ, ठीक है। हरप्पन क्या यूज करते थे? सो रॉ मटेरियल्स दैट हरप्पन्स यूज्ड वर कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है। ये सारी चीजें वो लोग यूज करते थे। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। सो कच्चा माल कौन कौन सा यूज करते थे? कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स। हरप्पन्स कहाँ से लाते थे? कॉपर, कॉपर राजस्थान से लाते थे। हरप्पन आज कहाँ है? हरप्पा तो आपको पता है आज हरप्पा पाकिस्तान में है, पर तब पहले क्योंकि ये बहुत 4700 ईयर्स पहले का है। सो ये लोग कहाँ से लाते थे? कॉपर राजस्थान से लाते थे, और ओमान से भी लाते थे। कॉपर कहाँ से लेके आते थे? राजस्थान और ओमान। ओमान कहाँ आया? वेस्ट एशिया में, ठीक है। ये वन मार्क में आ सकता है। और फिर टिन, टिन कहाँ से लाते थे? टिन भी ये लोग लाते थे। सो टिन ये लोग लाते थे अफगानिस्तान से और ईरान से, ठीक है। सो ये है पेज नंबर 30, ठीक है। पेज नंबर 30 पे सो टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। सो टिन कहाँ से ये लोग लाते थे? अफगानिस्तान और ईरान में से लाते थे। गोल्ड कहाँ से लाते थे? गोल्ड लाते थे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटक, कर्नाटक से लाते थे। और प्रेशियस स्टोन्स, और स्टोन्स कहाँ से लाते थे? फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग अलग अलग चीजें लाते थे, ठीक है। सो टिन कहाँ से लाते थे? टिन लाते थे अफगानिस्तान में से, ईरान में से। गोल्ड कहाँ से लाते थे? कर्नाटक में से लाते थे। और स्टोन्स कहाँ से लाते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, ठीक है। अभी फूड कहाँ से लाते थे ये लोग? फूड। सो फूड अदर्स लिविंग, कुछ लोग सिटीज में रहते थे और अदर्स लिविंग इन कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब गांव में, ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज। मतलब जो गांव में रहते थे वो क्रॉप्स उगाया करते थे और एनिमल्स पालते थे, और यही लोग सिटीज में रहने वाले क्राफ्ट पर्सन को, रूलर्स को और स्क्राइब्स, स्क्राइब्स कौन होते थे? जो कुछ लिख के जाते थे, वो लिखने के लायक होते थे वो लोग, तो वो उनको खाने का सामान पहुंचाते थे, ठीक है। सो हरप्पा में क्या क्या उगाया जाता था? सो हरप्पन्स ग्रू वीट, बार्ले, पल्सिस, पीस, राइस, सीसेम, लिनसीड, मस्टर्ड, ठीक है। तो ये सब उगाते थे हरप्पन्स, ठीक है।
वीट पार्ले पल्सेस पीस राइस सीसम लिनसीड एंड मस्टर्ड। लिनसीड क्या होता है? अलसी का बीज, अलसी होता है उसका बीज। सीसम मतलब सरसों, सॉरी मस्टर्ड मतलब सरसों। फिर बार्ले मतलब जौ जौ होता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें वो उगाया करते थे, ठीक है। सो सीसम मतलब वाइट कलर का एक आता है, तिल, तिल बोलते हैं ना वैसा। सो अ न्यू टूल द प्लो वॉज यूज टू डिग द, और उस टाइम ये लोग प्लो भी यूज करते थे, तब वो नया था, ठीक है। आज तो बहुत पुराना है। न्यू टूल प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। तो उस टाइम ये लोग प्लो यूज करते थे। सो ये लोग इरीगेशन भी यूज करते थे, ठीक है। सो सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन मे हैव बीन यूज, ठीक है। सो ये लोग इरीगेशन भी यूज करते थे। और एनिमल्स कौन से पालते थे? हरप्पन्स। सो हरप्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गॉट, बफेलो। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल, और ये लोग पास्चर, पास्चर मतलब चरने के लिए जगह आजू बाजू रखते थे, वाटर रखते थे। और जब बहुत ही सूखी समर होती थी तो ये क्या करते थे, एनिमल्स को दूर दूर मतलब पानी के नदी वगैरह में ले जाते थे। और वो फिश भी, फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे हरप्पन्स। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, बेर पता है ना, बेर बोलते हैं। कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप, हंटिंग भी करते थे। एंटीलोप मतलब एक डियर जैसा जानवर होता है, हंटिंग करते थे, बेर, बेर कलेक्ट करते थे और फिश को भी पकड़ते थे। तो ये हुआ हरप्पन के खाने पीने के बारे में। अब हरप्पन के, हरप्पन के टाउन्स के बारे में, टाउन्स कैसे थे हरप्पन के, ये है आपका पेज नंबर 31, ठीक है। पेज नंबर 31, हरप्पन के टाउन कैसे होते थे। सो 31 पेज पे अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खड़ियर बेट इन द रण ऑफ कच्छ वेयर देयर वॉज फ्रेश वॉटर। धोलावीरा नाम की सिटी थी, वो खड़ियर बेट पे, रण ऑफ कच्छ के खड़ियर बेट पे आई हुई है, जहाँ पे पीने का पानी और फर्टाइल सॉइल थी, ठीक है। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खड़ियर बेट इन द रण ऑफ कच्छ वेयर देयर वॉज फ्रेश वॉटर एंड फर्टाइल सॉइल, ठीक है। सो सारी सिटीज दो भागों में डिवाइडेड होती हैं, आपको पता है ना, हरप्पा की सारी सिटीज दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, सिटाडेल और वो हमने पढ़ा था ना, दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, सिटाडेल और लोअर टाउन ऐसा कुछ था, लोअर पार्ट। सो धोलावीरा, धोलावीरा तीन पार्ट में डिवाइड होती है। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। धोलावीरा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? थ्री पार्ट्स में, ठीक है। सो ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। सो हर पार्ट किससे सराउंडेड था? मैसिव स्टोन वॉल्स से, बड़ी बड़ी स्टोन की दीवारें थी, विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, ठीक है। और एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। एक ओपन एरिया होती थी जहाँ वो रहते थे, वेयर पब्लिक सेरेमनीज, वहां पे मतलब ये लोग अपनी शादियां वगैरह कुछ भी करते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन एंड परहैप्स इनहेड इनलेड इन वुड। दिस देयर इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल सच एज सील्स। फिर सो और क्या क्या मिला था? सो अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट, मतलब हरप्पा की लैंग्वेज में लिखे हुए बड़े लेटर्स मिले थे जो कि सफ़ेद पत्थरों पे चित्रे हुए थे, सफ़ेद पत्थरों से चित्रे हुए थे, वुड में, मतलब वुड में कार्व किए हुए थे। सो दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन, मतलब ये सबसे अलग चीज़ मिली थी, क्यों? क्योंकि वैसे हरप्पा की जो चीज़ें थी वो सील्स में मिलती थी, ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में, सील्स में मिलती थी, पर ये पहली बार ही ऐसा मिला कि लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, ठीक है, वुड में मिली थी, ठीक है। सो लोथल, अब लोथल के बारे में। सो
जो लोथल की सिटी थी स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, गुजरात की साबरमती नदी के पीछे है लोथल। धोलावीरा कहाँ आया, धोलावीरा रण ऑफ कच्छ में आया, ठीक है, ये धोलावीरा कहाँ आया, रण ऑफ कच्छ में आया, और ये कहाँ आया, लोथल की सिटी आई गुजरात की साबरमती नदी के पीछे, खंबात, गल्फ ऑफ खंबात के बाजू में। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ सच एज सेमी प्रेशियस वर इजीली, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट मेकिंग आउट ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल। यहाँ लोथल सिटी में क्या बनता था, ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था स्टोन शेल और मेटल बनाने के लिए, और यहाँ पे स्टोर हाउस भी था, इस सिटी में एक बड़ा स्टोर हाउस था। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस, यहाँ पे बहुत सारी सील्स सीलिंग्स पाई जाती थी, ठीक है। सो ये है लोथल सिटी के बारे में। सो लोथल सिटी के बारे में इतना आपको लिखना पड़ेगा कि कहाँ पाई गई, साबरमती नदी के पीछे और गल्फ ऑफ खंबात के बाजू में, और यहाँ पे स्टोन शेल और मेटल पाए गए हैं, स्टोन शेल और मेटल, और बहुत ही सील्स और सीलिंग्स, सीलिंग्स मतलब सीलिंग का मतलब होता है सील्स, तो मैंने आपको बताया था मिट्टी के ऐसे नहीं हम थप्पे करते वैसा कुछ, और सीलिंग्स क्या है, वो वही क्ले के ही बने हुए छोटे छोटे, सो इन स्टोर हाउसेस में वो पाए गए। अ बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड हेयर वॉज प्रोबेबली वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स पीसेस ऑफ स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स टूल्स फॉर बीड्स मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हेयर। क्या क्या मिलता था यहाँ पे, मतलब बीड्स, बीड्स मतलब मोती बनाने वाला वर्कशॉप, मतलब मोती बनाने वाली फैक्ट्री वगैरह, स्टोन्स के पीसेस मिले थे और छोटे छोटे बीड्स, कटे हुए बीड्स, टूल फॉर बीड मेकिंग, फिनिश बीड, मतलब ये सब कहाँ मिला, लोथल में मिला। बीड्स, बीड्स मतलब जो छोटे छोटे ऐसे मोती जैसे होते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सील्स और सीलिंग्स के बारे में देखो, यहाँ एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है सील्स और सीलिंग्स क्या है। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस। आपको पता है सील क्यों किया जाता है, कि चीज भाई पैक है, ये पैक चीज है कि यहाँ से वहां पहुंचानी है, तो सील्स लगाए जाते थे पैक्स, और आफ्टर वाज क्लोज और टाइड अ लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नॉट एंड द सील वाज प्रेस्ड ऑन इट, द इम्प्रेशन ऑफ इज नोन एज सीलिंग। मतलब सील, सील क्या होती थी, मतलब समझो कुछ पैक, कुछ भिजवाना है कहीं, ठीक है, तो उसको पैक किया गया, सो उसके ऊपर गीली मिट्टी लगाई जाती थी, और फिर उस मतलब गांठ पे गीली मिट्टी लगाते थे और उसके ऊपर सील को प्रेस कर देते थे, भाई यहाँ इस जगह की चीज है ये, फिर ये जो हम दबाते थे उसे सीलिंग कहते हैं। अगर वो सीलिंग पक्की होती थी, सो मतलब सीलिंग अगर पक्की मिले, मतलब अगर आपने लिया और कुछ टूटा हुआ ना हो, तो आप समझ लो कि भाई किसी ने इसको छेड़ा नहीं है। आज भी हम लोग सील्स यूज करते हैं, आपको पता है रेड रेड कलर की होती है सील्स, मतलब क्या होती है सील्स से, भाई जब एक एक जगह से दूसरी जगह चीज पहुंचती है, तो भाई ऐसे होता है सील लगी हुई है, टूटी नहीं है, तो मतलब किसी को चीज ने छेड़ा नहीं है, मतलब किसी ने लिया नहीं है कुछ इसमें से। अच्छा, मिस्ट्री ऑफ द एंड, अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ मेजर चेंज, पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, rot from long became rare, in we find that piled up on streets the drainage system broke down and new less simple houses were built even over the streets। अब कुछ 3900 years ago, 3900 years ago जब देखा गया तो क्या पाया गया कि मतलब मोहनजोदारो में, इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स पे कचरा इकट्ठा था, ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, वहाँ का गटर सिस्टम टूट गया था, और न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट, नए मकान बने थे और स्ट्रीट्स पे बने थे। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों वो सिटी खंडर क्यों बन गई, मोहनजोदारो खंडर क्यों बन गई, तो कुछ कुछ क्यों मोहनजोदारो खंडर क्यों बन गई, सो सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट रिवर्स ड्राइड अप, नदियां सूख गई उस टाइम,
कुछ लोग बोलते हैं देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटे थे उस टाइम. कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्यों लोगों ने पेड़ क्यों काटे हुए होंगे, क्योंकि उनको फ्यूल चाहिए होगा ब्रिक्स को लगाने में. और कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रेजिंग कराते थे बहुत ज़्यादा, वो काव वगैरह से बहुत घास खवाते थे, सो इसलिए सब ग्रीनरी चली गई. कुछ लोग बोलते थे कि भाई फ्लड्स आए होंगे, देयर वर फ्लड्स. पर कोई नहीं बोल सकता है कि इन सिटियों का अंत क्यों हो गया, इतनी बुरी तरह से ये सिटियाँ ख़त्म क्यों हो गई. फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली, सपोज अगर फ्लडिंग बाढ़ आई होती या रिवर भी कोई नदी सूख गई होती तो कुछ ही एरियाज खराब होती. सारी सिटीज क्यों मतलब एकदम भंगार, एकदम खंडर क्यों हो गई सारी सिटीज. तो ऐसे बोला जाता है कि भाई शायद इट अपियर्स एज इफ रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, वहाँ के जो राजा होंगे उनका वो राज्य चला गया होगा. साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर अबांडंड, अब लोग वहाँ सिंध और वेस्ट पंजाब में नहीं रहते हैं, अबांडंड हो गए मतलब लोग नहीं रहते हैं. वाइल मैनी पीपल मूव्ड इन टू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड साउथ, मतलब वो वेस्ट की जगह छोड़ के अब लोग ईस्ट और साउथ में रहने चले गए हैं. न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, अब नई सिटियाँ 1400 साल बाद नई नई बन रही हैं. ठीक है, सो इस तरह से हरप्पन, मोहनजोदारो, लोथल, ठीक है, इन सारी सिटीज़ का ये एंड हुआ. ठीक है, सो मतलब पिछले ज़माने में कैसी सिटीज़ होती थी, तकरीबन 5,000 साल पहले ये उस बारे में चैप्टर था. ठीक है, सो अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज. पेज नंबर 34 पे पहला क्वेश्चन, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लोथ वॉज यूज्ड इन द हरप्पन सिविलाइजेशन. आर्कियोलॉजिस्ट को मतलब, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, उनको कैसे पता लगा कि हरप्पन सिविलाइजेशन में क्लोथ भी होते थे, उनको कैसे पता लगा. सो आंसर है एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो, मतलब मोहनजोदारो में एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ मिले थे अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स. कहाँ से वो बंधे हुए मिले थे, सिल्वर वास मतलब वो जो चांदी का जो वास था उसकी लिड से और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट से लगे हुए. स्पिंडल वोल्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड, स्पिंडल वोल्स भी मिले थे मतलब वो जो लकड़ियाँ जिन पे वीव किया जाता था. विच वर यूज टू स्पिन थ्रेड, उससे थ्रेड को स्पिन किया जाता था. दिस इंडिकेट्स मतलब स्पिंडल वोल्स मिले और जो कपड़ा मिला सिल्वर वास से और कॉपर ऑब्जेक्ट से लगा हुआ, तो इससे पता लगा कि भाई कपड़े भी होते थे. ठीक है, सो एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स. स्पिंडल वोल्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड विच वर ऑल्सो यूज टू स्पिन थ्रेड, दिस इंडिकेट्स क्लोथ वॉज यूज इन द हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, अच्छा अब यहाँ कॉलम को मैच करना है आपको, मैच द कॉलम कैसे करेंगे. सो देखो कॉपर के साथ किसको मैच करेंगे, कॉपर के साथ मैच होगा राजस्थान. सो कॉपर कहाँ से मंगाया जाता था, राजस्थान से मंगाया जाता था. गोल्ड कहाँ से मंगाया जाता था, गोल्ड मंगाया जाता था कर्नाटक से. सो गोल्ड कर्नाटक. टिन कहाँ से मंगाया जाता था, टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था. सो टिन मंगाया जाता था अफगानिस्तान से. और प्रेशियस स्टोन कहाँ से मंगाए जाते थे, गुजरात से मंगाए जाते थे. ठीक है, सो इस तरह से मैच करेंगे. ठीक है, मतलब कॉपर राजस्थान, गोल्ड कर्नाटक, टिन अफगानिस्तान और प्रेशियस स्टोन गुजरात. ठीक है, अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है वाई वर मेटल्स राइटिंग्स द व्हील एंड प्लो इम्पॉर्टेंट फॉर हरप्पन्स. हरप्पन्स के लिए मेटल क्यों जरूरी थे, लिखना क्यों जरूरी था, व्हील क्यों जरूरी था, प्लो क्यों जरूरी था. ठीक है, सो मेटल्स क्यों जरूरी थे. सो मेटल्स वर यूज फॉर कॉपर एंड ब्रोंज. मेटल से क्या बनता था, कॉपर ब्रोंज
कॉपर ब्रोंज से देखो मेटल्स क्या क्या थे, कॉपर ब्रोंज गोल्ड सिल्वर, ये चारों क्या है मेटल्स, कॉपर ब्रोंज गोल्ड सिल्वर ये चारों हैं मेटल्स। सो कॉपर और ब्रोंज क्या बनाने काम आते थे, टूल्स बनाने, वेपन्स बनाने, ऑर्नामेंट्स वेसल्स बनाने। गोल्ड और सिल्वर क्या बनाने काम आते थे, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने। और राइटिंग क्यों काम आती थी, लिखना लिखना क्यों काम आता था, सो राइटिंग हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो लिखना है वो मतलब हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब लिखने से कम्युनिकेशन होता था, इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द हरप्पन्स ऑल्सो। आपको पता है लिखने से कम्युनिकेशन होता है, चिट्ठियां वगैरह भेजते थे इस तरह से। व्हील वॉज यूज इन कार्ट्स एंड पोट्री, व्हील्स कहाँ यूज होते थे, व्हील्स मतलब गाड़ियों में, या पोट्री, पोट्री मतलब घड़े वगैरह मटके वगैरह बनाने में यूज होते थे। प्लो, प्लो क्यों यूज होता था, प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड फॉर प्लांटिंग द सीड। प्लो क्यों यूज होता था, खुदाई करने के लिए, ठीक है। सो ये चारों चीजें उनको काम आती थी, मेटल्स, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स बनाने में, राइटिंग कम्युनिकेशन में, व्हील कार्ड्स और पोट्री में, प्लो अर्थ को खोदने में। सो ये थे हमारे एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चंस, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन वो कोई काम का नहीं है। अब कुछ एक्स्ट्रा हम एमसीक्यूज क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रेट बाथ हैज बीन डिस्कवर्ड इन, ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो की काली बंगन। सो ग्रेट बाथ पाया गया था मोहनजोदारो में, सी मोहनजोदारो। सेकेंड, मोस्ट सिटीज हैज द वेस्टर्न पार्ट ब्लैंक एंड ब्लैंक, बहुत सारी सिटीज थी उनका वेस्टर्न पार्ट कैसा होता था, स्मॉलर हायर, स्मॉलर लोअर, लार्जर हायर, लार्जर लोअर, सो स्मॉलर हायर। थर्ड, विच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ पीपल डिड नॉट यूजुअली लिव इन सिटीज बट द कंट्री साइड, इनमें से कौन से लोग सिटीज में नहीं रहते थे पर कंट्री साइड मतलब गांव में रहते थे, तो कौन, रूलर्स, क्राफ्ट पर्सन, फार्मर्स एंड हर्डर्स, स्क्राइब्स, तो गांव में कौन रहते थे, कंट्री साइड में फार्मर्स एंड हर्डर्स। द अलॉय ऑफ टिन एंड ब्लैंक इज कॉल्ड ब्रोंज, ब्रोंज किससे बनता है, टिन एंड टिन और किससे बनता है, ए जिंक, बी कॉपर, सी गोल्ड, डी प्लैटिनम। सो ब्रोंज किससे बनता है, टिन और कॉपर से बनता है, सो कॉपर। द सिटी ऑफ लोथल, नेक्स्ट, द सिटी ऑफ लोथल वॉज सिचुएटेड बिसाइड अ रिवर विच वॉज अ ट्रिब्यूटरी, लोथल सिटी कहाँ सिचुएटेड थी, साबरमती के पीछे, ठीक है, साबरमती के पीछे। वॉट कॉज द एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे आया, आज तक पता ही नहीं लगा है कि हरप्पन सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। सो कोई बोलता है डिफॉरेस्टेशन, कोई बोलता है रूलर्स का कंट्रोल चला, कोई फ्लडिंग, फ्लड, पर आज तक कुछ पता ही नहीं चला कि हरप्पन सिविलाइजेशन गई कहाँ, खत्म कहाँ हो गई। सो डी, ऑथेंटिक रीजन्स अननोन बट माइट बी द रीजन्स लिस्टेड अबव, ऊपर में से तीनों कोई भी रीजन हो सकती है पर अभी तक हमें रीजन का पता नहीं लगा, ठीक है। अब इसके बाद थोड़े ब्लैंक्स देख लेते हैं, ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा में है, टोटल आपके ब्लैंक्स देख लेते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरप्पन सिटीज विच वॉज यूजली स्मॉलर बट हायर हैज बीन रिफर टू एज, जो वेस्टर्न पार्ट था हरप्पन सिटीज में, ठीक है, हरप्पन सिटीज का जो वेस्टर्न पार्ट था जो कि स्मॉलर होता था और हायर होता था उसे क्या कहा जाता था, सिटाडेल, यहाँ क्या आएगा, सिटाडेल, सिटाडेल। फिर सेकेंड, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरप्पन सिटीज विच वॉज यूजली लार्जर बट लोअर हैज बीन रिफर टू एज, लंबा और छोटा होता था उसे क्या कहते हैं, लोअर टाउन, क्या बोलते हैं, लोअर टाउन। थर्ड, द ग्रेट बाथ वॉज मेड वॉटर टाइट विद द लेयर ऑफ, ग्रेट बाथ को वॉटर टाइट कैसे बनाते थे, नेचुरल टार, उसके ऊपर डामर लगा देते थे, नेचुरल टार। फोर्थ, स्क्राइब्स वर पीपल हु नो हाउ टू राइट एंड हेल्प्ड टू प्रिपेयर द ब्लैंक, स्क्राइब्स होते थे जो लिखना जानते थे और सील्स बनाते थे ये लोग, सील्स। फिफ्थ, मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स,
गोल्ड और सिल्वर क्या बनाने काम आते थे? ऑर्नामेंट्स और वेसल्स। ऑर्नामेंट्स वेसल्स। सिक्स्थ, मोस्ट हरप्पन सील्स व आर मेड ऑफ। हरप्पन सील्स किसके बने हुए हैं? स्टोन के। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल व्हील्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड, जो स्पिंडल व्हील है किसके बने हुए होते हैं? टेराकोटा और फेन्स के, FAIENCE, फेन्स, FAIENCE, टेराकोटा और फेन्स। एट्थ, स्पिंडल बोल्स वर यूज्ड टू, स्पिंडल बोल्स किसके बने हुए थे? स्पिंडल बोल्स वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। स्पिंडल बोल्स क्या काम आते थे? स्पिन थ्रेड। एट्थ का आंसर स्पिन थ्रेड, थ्रेड को स्पिन करने में। द हरप्पन्स गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे। हरप्पन कॉपर कहाँ से लाते थे? राजस्थान से लाते थे। कहाँ से लाते थे? राजस्थान। मैं एक बारी फिर से नौ के नौ का आंसर बोल देती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? पहले का आंसर है सिटाडेल, सेकंड का आंसर है लोअर टाउन, थर्ड का आंसर है नेचुरल टार, फोर्थ का आंसर है सील्स, फिफ्थ का आंसर है ऑर्नामेंट्स वेसल्स, सिक्स्थ का आंसर है स्टोन, सेवंथ का आंसर है फेन्स, FAIENCE, फिर एट्थ का आंसर है, सेवेंथ का आंसर है फेन्स, एट्थ का आंसर है स्पिन थ्रेड, एट्थ का आंसर है स्पिन थ्रेड, और नाइन्थ का आंसर है राजस्थान, ठीक है? सो ये नौ आपको लिखने हैं यहाँ तक। सो यहीं पे मैं लेक्चर एंड करती हूँ। एक बार ही आप अच्छे से सारा लिख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स जो भी टिक कराए सारे वो लिख लेना, फिर मैंने क्वेश्चन NCERT के कराए वो लिखना, फिर मैंने आपसे MCQ डिस्कस किए, कुछ ब्लैंक्स डिस्कस किए वो लिख लेना, ठीक है? और सब मुझे व्हाट्सएप करना, हो सके सारा चैप्टर एक बारी पढ़ लेना। चलें, थैंक यू।